पायो तेरा 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 जस गावा पावे आलै तेरा जस गावा रानी आहो पाया बावन बाले आ चौधरी आलै तेरा जस बाबा जी की कथा पवित्र कथा पवित्र इसके बोल बहुत ही अनमोल गुगे जहर पीर की कथा बहुत पवित्र बताई है स्याने बुजुर्गाने भगता ने समैया ने
भी ये पवित्र कथा है पीर की, इसको सुनने थे बाबा जी की कथा गाने थे, काया के रोग कट जाते हैं, जो भी तन मानते इस पीर नु मानागा उसके काया के रोग कट जाते हैं। सजनों बागड़ देश राजस्थान में बाबा जी का बहुत अलीशान बहुत ही सुंदर दरबार है, जहां पर बाबा जी के श्रद्धालु भगत चार खूंट के भगत बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करके बाबा जी के सब भगत निहाल हो जाते हैं और मुंह मांगे फल मुंह मांगी मुराद इस बाबा जी के दरबार से सब भक्तों को सेवादारों को मिलती है। सेवा माई बाछल की कथा का भाग शुरू करते हैं। संपत्ति के कारण औलाद के कारण माई बाछल ने बहुत जोगियां की और बहुत ही साधुआ संता की सेवा करी। परमाता की आशा किसी साध संत महात्मा ने किसी भी ऋषि मुनि ने उस माता की आशा को पूरी नहीं करा। तो वही शिव शंकर महादेव बाबा भोलेनाथ जी कलाशपति राजा ने मैया को वरदान दिया था ददरेवा नगरी के अंदर आएगा, ए बेटी बाछल आपने तो बहुत जोगियां की सेवा कर ली, बहुत जोगियां को भंडारे जमाए, पर आपकी आशा नहीं किसी ने पूरी करी। जाओ बेटी जाओ, मेरा वरदान है कवि गोरखनाथ जोगी तेरे नौ लखे बाग में आएगा, वही मुद्रा वाला जोगी ए बेटी तेरी आशा को पूरी करेगी। बाछल के कर्म जागने का समय आया, काजली वन से लेगा बाबा जी डेरा, लेगा अपनी जमात अमाई बाछल के नौ लखे बाग में ददरेवा नगरी के अंदर आ जाते हैं। सुखे बाग में डेरा लाया बाबा जी ने, अपनी कला दिखाई अजमत दिखाई गुरु गोरखनाथ जी ने, अमी जाल का छिट्टा मारिया और बाछल के 12 साल के सुखे बाग को उस योगी ने उस महात्मा ने हरा बना दिया। तो भाइयों बाग में हरियाली हुई, खुशियां मनाई बहुत, नगरी में शोर मिट गया, कोई करामाती योगी आया है जिसने रानी बाछल के 12 साल के सूखे बाग को हरा कर दिया, वो जोगी कोई करनी पुरुष है। सब नगरी में शोर मच जाता है। अब बाबा जी गुरु गोरखनाथ
महाराज जी अपने चेले को पास बुलाते हैं, कालीपनाथ को पास बुलाया और बाबा जी ने हुक्म सुनाया, ओ बच्चा इस नगरी के अंदर जाओ, पीछा मांग का लियाओ, कैसी हैं माइयां, कैसे हैं नगरी के लोग। अब बाबा जी के हुक्म के अनुसार चेला कहता है कि बाबा जी चला जाऊंगा जरूर, पर पहला मेरे को सगती वाली चीजां दे दियो। सगती वाली चीजां क्या थी? सत्या वाली झोली, सत्या वाला चिमटा, सत्या वाली चिप्पी, सत के पौए और एक माला। बच्चा ये सगत वाली चीजें तो ले जाएगा और मैं क्या करूंगा? बाबा जी एक बात सुन लो, जहां जमात वही करामात। अगर जो आपके पास जमात है ना, तो आपके पास करामात भी है। अगर जो जमात हो नहीं रही, फिर करामात भी कुछ नहीं करने की। तो भाई अब बाबा जी का अच्छा बच्चा ले जा, लवी ले का सगती वाली चीजा अपने गुरु को शीश नवाया। अब नवाया का गुरु को शीश। अब देखो आके बाबा कैसे नगरी में अलख जगाते हैं। शीशो वासे बोल बनाना जी, मेरे बाबा, मेरे
ਅੱਖ ਜਗੈਰਿਆ सारी नगरी में बाबा जी ने अलख जगाई। गुरु गोरखनाथ बाबा जी के चेले ने सारी माइया के द्वारा अलख जगाई। बाबा जी ने नाद बजाया, सारी नगरी में फिरिया। किसी भी माई ने बाबा जी के पास भिक्षा नहीं पाई, दान नहीं पाया। बाबा जी सोच रहे हैं भाई मैं सारी नगरी में फिर गया, किसी भी माई ने दान नहीं पाया, शायद भाई यहां कोई दान करने वाला ना भी होना, शायद यहां कोई दान करने का रिवाज हो नहीं। चलूंगा गुरु नु बताऊंगा भाई बाबा जी तने कैसी नगरी में डेरा लाया। बाबा जी के डेरे ने चल पड़िया 9 लखे बाग में। जब बाबा जी के डेरे ने चलिया गर्दड़े के राजपूत राणे चौधरी मिले बाबा जी नु। उन्हें पूछा बाबा जी महाराज क्या कह रहे हैं। नहीं भी राणे मैं तो कुछ नहीं कह रहा। नहीं नहीं महाराज कह तो रहे हैं के फिर भाई कह रहा क्या मैं तो अपने गुरु नु कह रहा भाई बाबे तने ऐसी नगरी में डेरा लाया जहां आज मनु किसी माई ने दान नहीं पाया। चौधरी ने बताया राणा ने बाबा जी नगरी वाले का कसूर नहीं, जो रानी पाछला
उसने अपने पति महाराज नु कहका अपने राजा नु कहका यहां ऐलान कराया होया कोई भी साध संत महात्मा आवा सब ते पहला उसनु मेरे राज महल में बचाओ रे नगर के लोको थम जोगी के पास दान ना पा। बाबा जी यहां रानी बाछल का ऐलान है आप रानी बाछल के द्वारा जाओ वो रानी बाछल आपको दान करेगी क्योंकि वो जोगियों की सेवा करने वाली है नंगे जोगियों नु वस्त्र पहनाने वाली भूखे जोगियों नु भोजन खिलाने वाली वो सत्या वाली माई है। बाबा कहा चलो भाई उसका द्वारा भी देख लूं कैसा दान करागी कह तो रहे ने लवे कहना मान का चौधरी राणिया का माई बाछल की डौडी के द्वारा बाबा जी पहुंच गया खड़का डौडी के पर सत्या वाला नाद बजाया धर्म की शीश दी बाछल माई अलख जागा तेरा सब दुख भाजा सुफल फड़ा ए माई तेरा परिवार सुनकर जोगी की आवाज माई बाछल ने अपनी बांदी को पास बुलाया बांदी जाओ जोगी तो मेरे द्वारा बड़े आए हैं आज तक किसी महात्मा ने मेरे को ऐसी शीश नहीं दी जैसी शीश आज इस बाबे ने दी जाओ कदी जोगी मेरे द्वारे से ऐसे ना मुड़का चला जा क्योंकि माई का पर्ण था उसने अपने द्वारे से कोई पिछक नाराज नहीं जान दिया था कोई भी माता के द्वारा मंगन आया उसने कोई नाराज नहीं जान दिया आज यदि मैया का नाम दुनिया में ऊंचा है और यदि पीर बाबा जी के ये भंडारे चल रहे हैं जबी बाबा जी के नाम के राज जगह थापे हो रहे क्योंकि ये माता के दान का फल है अगर जब माता सेवा न कर दी तो पीर ने कहा जन्म लेना था माता की सेवा का फल है बोलो सच्चे दरबार की जय तो सजनो अब लेका वो भिक्षा अन्न का दान वो चादर बांधी कहना मान का माई बाछल का अब देखो डोटी के अंदर आएगा बाबा जी ने कैसे तरीके से आदेश मनाती है रे भाई ऐसी सोवा से बोल बनाना जी Yeah.
भिक्षा लेगा ओ चातर बंदी बाबा जी के पास आई। ले बाबा दान ले ले। ये बंदी करी बाबा जी हे महात्मा दान ले लो पेटी इस महल की क्या लगाता हूं। बाबा जी बोल रहे क्या लगा बेटी इस महल की। बाबा जी इस महल की मैं बांधी है। हरे राम 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 राम। अरे बांधिया लड़कियां के हाथ का दान लेना मेरे को गुरु ने नहीं बताया। खुर बाबा जी किसके हाथ का दान लेते हैं आप। बेटी सुन ले बात यादव भिक्षा मेरे को पावा राजा का कोई लड़का यानी आवा राजा यानी खुद चल का आवा रानी। अरे बाबा जे चौधरी की रानियां साधा के पास दान पान लग जा बांदिया रखने का कोई काम नहीं। पीछा ले और बाबा जी राम से राम हो जा। बाबा पीछा ले ले ना बेटी तेरे हाथ का दान नहीं मिलिंदा। अरे बाबे ऐसी क्या बात है जो तो पीछे दे जवाब दे रहा। सुन ले बेटी जो अपने हाथ से दान करता है भगवान उसी को फल देता है। अच्छा इब दान तो कर रही था और बाचल का तो कहीं नौ भी नहीं। बेटी ये भगवान उसी के नाम से दान मंजूर करता है जो अपने हाथ से करता है उसी का नाम दरगाह के अंदर होता है। अरे बाबा खड़े आता हूं डॉटी के द्वारा भिक्षा मंगने के लिए बातें कर रहा दरगाह की ऐडा रब नु नहीं मिल गया था भिक्षा लेनी ले आनी बाबा जी यहां दे रवाना हो जा। हंकार रह गया क्योंकि राजा की बांधी थी। आनी बाबे मार का पांच तेरे करना की मुद्रा झाड़ दू चले जा गए अपना भर मगवाएगा जद इतना बोल के हा भी मुद्रा झाड़ दू। बाबा जी कह रहे हैं मनु दो बात फालतू कह लेंदी पर मेरी मुंद्रा नू अच्छा माड़ा ना बोल दी क्योंकि गुरु का दिया हुआ सिक्का है। तो भाइयो अब देखो बाबा जी क्या कह रहे हैं और बांदी क्या कह रही है सुन ले जरा। Thank you.
उच्चा टिला गोरखनाथ दा किस विदलेवा वे गुरु जी दिखाई अज दे गया भगतो करके भगवा पे जय हो जहर पीर बाबा जी के नाम पर 20 रुपए का दान आनंद रहो जी बने रहो Thank you.
ਕੱਠ ਗਊਆ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਗਊਆ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਡਾਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਲੜਨ ਜਦੋਂ ਵੇ ਡੁੱਗੇ ਡਾਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਲਾਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੁਹਾ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਸੀ ਲਾਲ ਘੋੜਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੁਹਾ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਸੀ ਲਾਲ ਘੋੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੁਹਾ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਸੀ ਲਾਲ ਘੋੜਾ तो सजनों अब बाबा जी ने बांदीकनी नजर उठाई और बांदीकनी देखा करामात ऐसी होती है जिन्हों ने जोग कमाया होया जिन्हों ने जोग कमाया ये जोग कहीं दरख्ता का नहीं लगता या जोग कहीं जमीन मत नहीं निकलता ये कमाना पड़ता है जोग ये कमाया जाता है गुरु गोरखनाथ बाबा जी ने जोग कमाया गाने से भी जोग नहीं मिलता ये कमाया जाता है बोलो सच्चे दरबार की जय तो भाई जब बाबा जी ने एक बारी नजर उठाएगा बांदी के नहीं देखा ना खाएगा पछाड़ बांदी जमीन पर गिर गई Thank you.
ਇਹ ਬਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਠਾਇ ਲਿਆ ਥਾਲ, ਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜਕਾ। अब महल के अंदर माता पाशल नु कैसी कैसी बातां, कैसे कैसे बोल कह रही आ। Thank you.
मेरे बाबे चल गई सवारी तेरी मेरे बाबा मन टबरा कद्दी नो बाबे माने का जा बाबे माने का जा तेरा खंडा बाबे चल रहा नार खंडा बाबे चल गया तो सजनों अब बांदी ने जाएगा माता ने बताया कि रानी साहब वो जोगी मेरे हाथ का दान नहीं लेता। उस बाबा जी ने जवाब दे दिया भिक्षा से। बाचल कह रही क्या कह रहा बाबा कि रानी साहब बाबा तो ये कह रहा भी आ तो भिक्षा मनु बाबा राजा का लड़का यानी आवा राजा यानी खुद रानी। माता सोच रही है संत तो बहुत आए हैं आज तक किसी बाबे ने ऐसा जवाब नहीं करा जैसा इसने करे। ये तो कोई करनी पुरुष महात्मा है जो इतने बोल कह रहा है। मेरे महल में किसी ने आज तक किसी महात्मा ने बच्चे का नाम नहीं लिया ये पहला चांस है। ये तो कोई महात्मा भगवान का रूप है बड़े प्यार से मिलना चाहिए। इस दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में यहां मिल जाएंगे भगवान रे। बंदी कहा तन्नु लगदा होना मन तो कोई ऐसी कोई चेट कहारिया साध लगा। बाचल करे ठहरो तन जोगियों के बारे में पता नहीं संता के बारे में पता नहीं मुडे हुए जोगी का हर रगड़ी भी दवाई का यो नहीं पता कितनी डिग्री हो। मैं पीछा बाबे नो अपने आप पै दूंगी पर उस बाबे नो माड़ा ना बोलना। लवी हीरे मरसिया का थाल भर का अब देखो बाचल माई एक बाबा जी के पास डौडी के अंदर दान लेके आती है। Thank you.
बाछल माई
बाबा जी कह रही बाबा जी दान ले लो। काली बनाथ कह रहा माता सच बता इस थाल में क्या ले आया। बाबा जी इसके अंदर हीरे मरसिया का दान है, सुच्चे मोतिया का दान है। बाबा जी हे माई इस माल धन की हमारे को लोड़ नहीं है, अपने बच्चों के पास का बचा हुआ भोजन आज तो बाबिया जमा दे और जीम का भोजन बाबे तेरे द्वारे से चल जाए। जदनियों कहा माता सोचन लगी वो तेरा ये बाबा जी क्या जवाब दूं। माता ने कहा बाबा जी जितना भी भोजन मैंने बनाया था सब बच्चों ने खा लिया, बाबा थोड़ी देर ठहर जा तेरे वास्ते मैं और भोजन तैयार करवा दी। कानी बना डौडी के अंदर बैठ बैठ अब माता ने नौकर चाकरा नु हुक्म दिया बाबा जी के वास्ते 36 प्रकार के भोजन तैयार करवाए। करवाएगा भोजन तैयार और माता ने सोने के थाल में भोजन परोस लिया और लेकर डौडी मकानी बनाथ के पास आई। लियो बाबा जी भोजन जीव लियो। कानी बनाथ कह रहा माता यहां नहीं भोजन जीवना, सबसे पहला भोग हम अपने गुरु नु लवावा फिर बाद में चेले भोजन खावा। माता क्या कह रही बाबे तो यहां जी मिले जंदा होया गुरु जो गले जी ना माई नी नी बात बनती है। हम तो पहला गुरु नु भोग लवावा। ओ बाबे गुरु गोरखनाथ की चिट्ठी कानी बनाथ ने माई के गाड़ी कर दी। ले माता जितना भोजन है इसमें पाए दे तेरा भंडारा मंजूर हो जाए। माता कह रही भाबे भोजन पुआ रहा तो मखौल कर रहा क्या बात माई इसमानी महाराज आने का यो भोजन बहुत चिप्पी छोटी इसमें आने का नहीं। माई जरा पाएगा तो देख नहीं बाबा जी मेरी गेल महाराज क्यों मखौल कर रहे हैं। नहीं नहीं माता जरा पाएगा देखो। अब माई ने माड़ा सा थाल टेढ़ा कराया चिप्पी के ओ वीरो एक बारी भोजन गिरता दिखा बाद में पति ने लगा गया कहा माता तो चाक चाक का देख रहे चिप्पी माटिया ठाए ठाए बाबा जी की चिप्पी में अंधेरा चमक रहा अंधेरा। बाबे इस भोजन का तो पति नहीं लगा गया कहा माई फिर तो ही कह रही देवी बहुत ज्यादा है यो चिप्पी है मेरे गुरु की माई तेन भर नहीं पड़ा जे तो चिप्पी तो नहीं भर दी फिर तो आशा हो जाएगी पूरी अगर जो चिप्पी तेरे बिना भरी गई माई तेरी आशा नहीं पूरी। माता ने सोच पैदा की गुरु गोरखनाथ बाबा जी की चिप्पी भरनी है तो भाईयो माता कह रही बाबा जी जौन सा बनया हुआ भोजन आओ मंगवा लियो की मंगवा ले माता जितना भोजन माता ने बनवाया था सारा मंगवा लिया और मंगवाए का बाबा जी की चिट्ठी में पै दी पर भाईयो चिट्ठी नहीं भरदी या चिट्ठी नहीं भरी। माता कह रही बाबा जी भोजन तो है तो जौन सा पै दिया। अब महाराज ये थोड़ा सा दूध है गटवे के अंदर माई ये भी पैदे सीमा ओ माता ने दूध पाना शुरू कर दिया तो भाई ये साथ की बात है इब गटवे में धार बांध का दूध की पै रही है चिप्पी नहीं भरती दूध उस्तरी गिर रहा सत्या वाली माई का गटवे के अंदर तो दूध नहीं मुकता
चिट्ठी भर देनी कानी बना दिया भी किसी माई का साथ देखना ठीक नहीं है। ये सत्या वाली माई है भाई, अपने गुरु का नाम लेगा। बाबा जी ने चिप्पी कनी पगुती में लगा मारी और बाबा जी ने कहा अलख निरंजन जदयू भी गया ना उछल का चिप्पी में दूध जमीन पर रेड़ा चल गई। आज भी माता की निशानी कायम है वहां दूध बूंदिया होया। ओ भाइयो चिप्पी पर पूर होगी। काली बनाथ ने कहा माई जाओ तेरी आशा पूरी होगी। तेरे बाग में आ गया गोरखनाथ जिसने 12 साल का सुखिया बाग तेरा हरा कर दिया। वो जोगी तेरी आशा भी जरूर पूरी करेगा। माई ऐसा काम करिए सवेर नु आइए गुरु के डेरे मां तां भी सदा लाइए मैं भी सदा लाऊंगा। जाओ बाबा गोरखनाथ तेरी आशा नु जरूर पूरी करा। माता के घर का भोजन एक कानी नाथ लेवे 9 लखे बाग मा आएगा अपने गुरु नु किस तरह शीश नवाया रे बोल बनाना जी। Okay.